नमस्कार दोस्तों, आज संडे का दिन है और उम्मीद है कि आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। आज ये एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रहा हूँ। अक्सर मैं बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डेल्व नहीं करता, बट ऐसे कुछ मौके होते हैं जहाँ इमीडिएट खबर इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म एक बड़े ट्रेंड में वो शेयर घुस रहा होता है। तो मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते में एसबीआई कार्ड्स का रिजल्ट आया था और उसमें उनका मुनाफा बहुत घटा था। अब एसबीआई एक अच्छी पेडिग्री कंपनी है, एसबीआई कार्ड्स खासकर, और क्रेडिट कार्ड वगैरह पे लोन जो होते हैं वो 50,000, 1 लाख, इस तरह की वैल्यूज के होते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हिंदुस्तान में डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसी भी दुकान पर आप जाएं तो वहां पे अगर आप डिजिटली पैसे देते हैं, मतलब कार्ड के थ्रू पैसे देते हैं, तो आपको बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। कल मैं क्रोमा पे गया था तो वहां पे अगर आपके पास किसी तरह से कार्ड की आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट ज्यादा था और कैश में कम था। तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। पिछले दिनों आईसीआईसीआई बैंक मेरी हेल्थ इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं था जब तक कि मैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ना करूं। तो अगर ये हमारा इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है तो क्रेडिट कार्ड यहाँ से तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जितने आपके एप्स हैं या जो आप अमेज़ॉन से शॉपिंग वगैरह करते हैं वो सब कार्ड के थ्रू होती है। तो ये कहना कि एसबीआई कार्ड खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से एक गलत चीज है। तो ये जो रिजल्ट्स की वजह से डिक्लाइन आ रहा है, इस डिक्लाइन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और अभी हम चार्ट में जाके देखेंगे कि इस डिक्लाइन ने आपको चार्ट पे एक बहुत बढ़िया एंट्री दी है। देखें, मॉरेटोरियम से पैसे तो किसी के वापस नहीं आ रहे, ना 10,000 करोड़ वाले लोन वाले लोगों के आ रहे हैं और ना 50,000 के लोन वालों के आ रहे हैं। तो ये एक टिपिकल टाइम है, लेकिन 50,000 का जो लोन दे रहा आदमी वो शायद थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, शायद उसके लोन ज्यादा नहीं मरेंगे। और कंज्यूमर, हिंदुस्तान की जनसंख्या ऐसी है कि आज नहीं तो कल लोग कंजम्पशन पे वापस जाएंगे। तो देखते हैं कि एसबीआई चार्ट्स कार्ड्स का चार्ट क्या कह रहा है और उससे हमें ये अंदाजा होगा कि हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गया आपका एसबीआई कार्ड्स। इसमें एक दिन बड़ी गिरावट आई, अगले दिन गैप अप गैप डाउन हुआ और हरा कैंडल बना है। इसको थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करके देखते हैं कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, वहां से ये टच करके वापस आया है। अब सिर्फ यहीं पे सपोर्ट टच नहीं हुआ, अगर आप वीकली कैंडल देखें तो ये लिस्टिंग हाई था। ठीक है, ये लिस्टिंग हाई था कुछ 765 रुपए का। आप जो है इस गिरावट में इस 765 के जोन में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 765 में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड आपका ऊपर है तो इन खराब नतीजों पर भी अगर
इस 760 पे इसको कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये वापस 920 और फिर शायद 1100 1150 तक जा सकता है। तो अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हुए अगर आप 760 के आसपास रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 700 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो अगर यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आती है तो आपको ये एक बहुत बढ़िया शेयर, डिजिटल इकोनॉमी का शेयर जो कि इस स्पेस में सारे शेयर्स बहुत महंगे हैं, ये आपको मिल रहा है और आप इसको एक बुरी खबर के उसमें ले रहे हैं, तो जब भी नतीजे अच्छे आएंगे और क्रेडिट कार्ड कंपनी के नतीजे एक दिन अच्छे आएंगे तो उसमें फिर आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये देखें कि ये पहले लिस्टिंग के बाद नीचे गया 480 तक, ठीक है, लिस्टिंग हाई इसने क्रॉस किया। तो अगर यहीं से आप टारगेट निकालें तो भी 1150 का आता है क्योंकि 660 से आप नीचे आए ऑलमोस्ट 380 रुपये, तो 660 पे अगर आप 380 ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1150 1150 का रेट आता है। तो इस लिहाज से ये एक स्क्रीमिंग बाय है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो बहुत बढ़िया शेयर बहुत अच्छे भाव में एक बुरी खबर में जब भी आपको मिले तो वो सही तरीका होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था, ऐसे और भी कई स्टॉक्स जैसे ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, संडे एंजॉय करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें।